चैनल क्रिएट करना चाहते हैं अपना यूट्यूब चैनल, तो उसमें एक ही आपको काम करना है, आपको बैठकर सोचना है कि आपको कैसे, आपको क्या स्किल है अंदर, आपके अंदर ये एक सोचिए, आप शांति से बैठ जाइए, ठीक है, कुछ 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 बातें ना करिए, सिर्फ सोचिए कि आपके अंदर वो क्या स्किल है, क्या स्किल है जो मैं आप वीडियोज में अपने डाल सकता हूँ और अपनी ऑडियंस को अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवा सकता हूँ, ठीक है। ये नहीं कि आप कुछ भी वीडियो आप देख लिया, चलो अच्छा वो तो कॉमेडी में काफी आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, मैं भी कॉमेडी वीडियोस बनाऊँ, स्टोरी टेलिंग करता है, ठीक है, तो ये भी एक स्किल है आपके अंदर, वो स्किल है तो उसमें भी आगे बढ़े, अच्छा वो भी मैं वीडियो बना सकता हूँ, नहीं, आप अंदर बैठ के सोचिए बंद कमरे में कि आप के कम से कम देखिए एक बुक ले लीजिए, ठीक है, बुक में आप लिखिए आपको जब तक 100 टॉपिक्स मतलब 100 टॉपिक्स मतलब 100 वीडियोज हुए ना, ठीक है, तो 100 वीडियोज जब तक आपको ना मिल जाए उस कैटेगरी में तब तक आप वीडियोज नहीं बनाना, ठीक है। मुझे भी मैंने लिखा था, मुझे 200 से ज्यादा टॉपिक्स मतलब वीडियोज मैंने लिखे हैं, उस पर मैं वीडियोज बनाता हूँ, तभी मैंने इस पर चालू किया है चैनल, ठीक है। तो देखिए मुझे तो हेल्थ, मुझे हेल्थ में ज्यादा इंटरेस्ट है तो मैं उस पर टॉपिक्स पर चैनल क्रिएट करना चाहता, लेकिन मैंने ये टेक चैनल ओपन किया क्यों, क्योंकि मैंने यूट्यूब पर काफी सर्च कर लिया था, काफी महीनों से मैं सर्च कर रहा था, मुझे काफी कुछ पता है, हाउ टू क्रिएट चैनल, बहुत सारे टॉपिक्स हैं आप उसमें क्रिएट कर सकते हैं, हाउ टू के ऊपर भी आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, आपको बहुत सारे टॉपिक मिलेंगे, लाखों वीडियोज मिलेंगे, आप कोई भी ले लीजिए, ठीक है, पर वीडियोज बनाइए, ठीक है, वीडियोज के बिना आगे आप कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है, ये डिजिटल होगा जमाना है, ठीक है, तो वीडियोज बनाइए पहली बात, दूसरा कंटेंट अच्छा दीजिए, ठीक है, तीसरी बात ऑडियंस को रिस्पॉन्ड अच्छा दीजिए, आपको कमेंट्स जो आएंगे ना, लाइक्स कमेंट्स आप हालांकि बोलेंगे नहीं तो भी वीडियोज आपके ऑडियंस को पसंद आएंगे तो वो आपको अच्छा रिस्पॉन्ड देंगे कि, और आप फीडबैक भी देंगे कि सर आपका वॉइस अच्छा करिए, कि आपकी वॉइस अच्छी नहीं आ रही है, कि आपका कैमरा अच्छा करिए तो धुंधला आ रहा है, ठीक है। तो मेरे पास क्या है, मेरे पास कुछ नहीं है, सिर्फ ये एक मोबाइल है, ये आप माइक जो देख रहे हैं और ये जो मैं ट्राइपॉड मैंने लगाया है वो है, ठीक है, और कुछ नहीं है, वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ, और ये मेरा घर है, यहाँ कोई रहता नहीं है तो मैं यहाँ वीडियो बनाता हूँ, ठीक है, और मेरा जो पुराना घर है वहां पर भी मैं 2-3 वीडियोज बनाए हैं, आप मैं यूट्यूब पर देखे होंगे, आपने मेरा चैनल दिखाया था, और कुछ नहीं है, मैं इसमें वीडियो बनाता हूँ, और अभी भी मैं वीडियोज रिकॉर्ड करने आया था, ये तो मेरे माइंड में आया कि यार ये मैं इस पर भी वीडियोस बना सकता हूँ, ये मैं लिस्ट में लिखा नहीं है, ठीक है, फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, और वो वीडियो मैंने अभी क्रिएट किया जो कि कल ये 2 वीडियो आ जाएंगे आपके मेरे यूट्यूब चैनल पर, आप देख सकते हैं। फिर आपके जो मेरे अभी 1000 सब्सक्राइबर है, 1000 से ज्यादा है, 1300 से ज्यादा है सब्सक्राइबर, मैंने देखा नहीं है अभी, आप देख सकते हैं, तो वो सभी एक्टिव नहीं है, ठीक है, क्योंकि मेरा जो पुराना चैनल था वो काफी उसमें वीडियोस जो थे मैंने स्क्रीन रिकॉर्ड करके सिर्फ प्रोसेस समझा के डाल देता था, ठीक है, और मैं अपना फेशियल वीडियोस नहीं बनाता था, ठीक है, अब सामने नहीं आता था वीडियो, वो तो आ रहा हूँ, ठीक है, तो वो जो मेरे सब्सक्राइबर आए थे उस वीडियो में से वो भी मैं जब डालता हूँ तो वो देखते हैं कि ये कौन है, ठीक है, तो उसमें तो सिर्फ मुझे देखा ही नहीं है उन्होंने, ठीक है, तो अब मैं जब थंबनेल में अपनी फोटोज होती है तो क्या टाइटल जो वीडियोस है वो टाइटल देना होता है तो वो देखते हैं कि यार ये कौन है, इसको तो पहली बार देख रहे, तो वो सजेशन पर क्लिक ही नहीं करते, मेरे वीडियोस में काफी व्यूज कम आते हैं, आप देख सकते हैं। अब जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर बढ़ते हैं जो कि इस वीडियो को देखकर आएंगे वो काफी एक्टिव होंगे सब्सक्राइबर सभी, और वो सभी वीडियोस देखेंगे मेरे पर, अच्छा कंटेंट होना चाहिए, मैंने जैसे बताया आपके अंदर क्या स्किल है वो आप देख लीजिए, कुछ भी स्किल हो सकती है, आपकी स्टाइल अच्छी है, आप वॉइस अच्छी है, आपके आपको कुछ बनाना आता है कुकिंग तो उसमें भी आप जा सकते हैं, आपकी कोई शौक है तो आप वो पर क्रिएट कर सकते हैं, बहुत सारे यूट्यूब पर टॉपिक्स हैं, आप सर्च कर लीजिए आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, लाखों टॉपिक्स हैं, आप थक जाएंगे देख देख कर, और आप देखिए कि आपको ज्यादा किसमें मजा आएगा, आपको ज्यादा क्या समझा पाएंगे अच्छा वो देखिए, एक वीडियो तो आप डाल के देख लीजिए आपका क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, क्योंकि वीडियो डिलीट भी कर सकते हैं आप, ठीक है, चैनल भी दूसरा क्रिएट कर सकते हैं, चैनल भी डिलीट कर सकते हैं, लेकिन चालू तो करिए, ठीक है, वीडियोस डालना चालू करिए, मैं भी वीडियोस डालता हूँ, व्यूज नहीं आते कोई बात नहीं, कभी ना कभी तो आएंगे, क्योंकि वीडियोस डालेंगे तो उसमें व्यूज तो आएंगे ही, वो वीडियो आपकी जो नया वीडियो आप डालेंगे चैनल पर
तो उसमें व्यू तो आएंगे, लेकिन वो व्यूज आगे बढ़कर बढ़ेंगे कि नहीं, आपकी लाइक्स करेंगे कि नहीं, आपको वो ऑडियंस आपको अच्छा रिस्पॉन्स देगी कि नहीं, वो आपके कंटेंट पर आधार रखता है। तो स्टोरी टेलिंग के कोई स्किल है आपके अंदर? देखो स्टोरी टेलिंग भी एक टॉपिक है, उसमें कुछ यूट्यूबर तो सिर्फ बुक रीडिंग करके, एक बुक लेते हैं ठीक है, रोड रीडिंग करके सुना रहे वीडियो, ठीक है क्या कहते हैं बुक में वो बताते हैं, फिर इसका मीनिंग क्या है वो अपने आप से थोड़ा समझाते हैं जो उसको समझ आता है, और वो बता देते हैं सर वीडियो में, और उसको मैंने देखा है महीने के दो दो डेढ़ डेढ़ लाख कमाते हैं। तो इतना भी आप कर सकते हैं, बुक ले लीजिए कहीं से भी, कुछ 7-7 रुपए की बुक चाहिए, कुछ भी बुक हो सकती है, स्पिरिचुअल बुक हो सकती है, इंग्लिश ग्रामर, फिर बहुत सारी बुक्स हैं, आप कोई भी ले सकते हैं, तो वो भी उसमें भी आप वीडियो बना सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। सो मेरा कहने का मीनिंग यही है कि वीडियोज बनाइए, वीडियो बनाने के सिवा कुछ नहीं होगा। सो इन दिस वीडियो मेरा कहने का मोटिव सिर्फ इतना ही था कि वीडियो क्रिएट करें। अभी देखिए आपको वॉइस आ रही होगी क्योंकि यहाँ बाजू में काम चल रहा है, तो दरवाजा मैंने खुला रखा है, विंडोज भी खुली रखी है, तो आपको वॉइस आ रही होगी, पर मेरे पास वॉच कुछ नहीं है ठीक है। मैं आपको अपना ट्राइपॉड दिखा देता हूँ, और मेरा माइक तो आप अभी देख ही रही है ठीक है, और ये देखिए मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है, ये कुछ बोया M1 का माइक है जो कि मैंने लिया था, ऑफलाइन लिया था, और कुछ नोशन इंडिया में कुछ पड़ा था मुझे, और इतना भी बुरा नहीं है ठीक है। और मैं अभी मेरा ये मैं ठीक है ये मैंने निकाला ट्राइपॉड में से, तो ये देखिए मैं ये थोड़ा बंद था तो मैं खोल रहा था, तो ये देख सकते हैं आप, ये मेरा ट्राइपॉड है, कुछ 600-650 में आया था, मैंने बहुत पहले लिया था, ऑफलाइन लिया था तो मुझे सस्ता पड़ा था, हालांकि अभी इसकी कीमत बढ़ गई है। और ये देखिए ये मैं जगह जहां पर मैं शूट करता हूँ वीडियोज, तो और ये मेरा घर है क्योंकि यहाँ पर कोई रहता नहीं है, सिर्फ मैं ही कभी वीडियोज बनाने आता जाऊँ। वैसे मेरे पुराने घर में भी वीडियोज मैंने बनाई है ठीक है, तो वो वीडियोज भी आप देख सकते हैं। और कुछ नहीं है मेरे पास, सिर्फ ये मेरा मोबाइल है, माइक और ये ट्राइपॉड, सिर्फ इतना ही लिया है मैंने वीडियोस बनाने के लिए। आप ये भी ना लें तो भी आप बना सकते हैं, बंद कमरा है तो काफी अच्छी बात है, सिर्फ आपके पास अच्छा मोबाइल है। मेरे पास अभी Xiaomi का मोबाइल है जिससे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सिर्फ अच्छा मोबाइल है तो उससे भी आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। कोई भी वीडियो, एक वीडियो डाल के देख लीजिए मेरे कहने पर ठीक है, एक वीडियो कोई भी वीडियो हो सकती है, आपको कुछ भी, आप अपना इंट्रोडक्शन ही दे दीजिए कि मैं अभी ये चैनल क्रिएट करने वाला हूँ और इसमें ऐसा ऐसा सब कुछ बताऊंगा, और आप ये सब इसमें वीडियो बनाकर डाल सकते हैं। पहला वीडियो रिस्पॉन्ड नहीं आता, कोई व्यू नहीं आता, थोड़ा टाइम देख लीजिए नहीं आता रिस्पॉन्ड तो वीडियो डिलीट भी कर सकते हैं आप ठीक है। सो इन दिस वीडियो इतना ही था, यही मेरा कहने का मतलब था कि आप वीडियो क्रिएट करिए, वीडियो क्रिएट करके बिना आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सो इन दिस वीडियो इतना ही था ठीक है, मिलते हैं हमारे नए वीडियो में ठीक है। यू आर वॉचिंग टेक मुनिराज, माय नेम इज करण, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।